सनीखेज खबर। बड़वानी जिले के राजपुर तहसील की घटना। भाजपा जिलाध्यक्ष ने लगाए बाला बच्चन पर गलत आरोप। आशु मेहरा और कमल पवार का कहना, हम मंदिर के काम से बाला बच्चन जी के निवास पर गए थे और हमें जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के गमछे डाले गए। जबकि अजय यादव का कहना है कि हम सब 28 तारीख को बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने आए थे। अगर हम मंदिर के काम से आते तो हम बीजेपी वालों के पास जाते। अजय यादव का कहना कि अभी तो सरकार भी बीजेपी की ही है, फिर हम बाला बच्चन जी के पास क्यों आते। हम सब ने हमारी स्वेच्छा से हम सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। अजय यादव का कहना कि हमें नेताओं के द्वारा धमकाया जा रहा है कि वापस बीजेपी में शामिल हो जाओ, लेकिन मैंने नहीं हार मानी और कभी मानूंगा, मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रहूंगा। और अजय यादव का कहना है कि मनीष सेन राजपुर अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही शामिल है, बीजेपी वालों ने फर्जी मनीष सेन को खड़ा किया है। नहीं, प्रेशर दबाव सब कुछ आया था, अगर हम नहीं गए, मगर गए नहीं ना। और जो अभी मीडिया पे चल रहा है, वीडियो वायरल हुआ है कि मनीष सेन का नाम था, वो मनीष सेन एक झूठा मतलब वीडियो बना के बताया जा रहा है। पर मैं इनसे बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को मनीष सेन जो राजपुर का था, वो मनीष सेन ये है, इनसे पूछा जाए कि ये मनीष सेन है कि फेक है, बताया जाए क्या और 28 तारीख को इन्होंने ज्वाइन करा था कांग्रेस पार्टी, बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में आए हैं। और जो वीडियो बताया जा रहा है मनीष सेन का जो अभी वायरल हुआ है, तो ये भैया बता देंगे कि वो मनीष सेन फेक है कि असली है, कौन है, पूछ लो भैया से। कल भी वो हमारे साथ कांग्रेस के साथ थे और आज भी कांग्रेस के साथ, किसी के दबाव में तो नहीं आया होगा, आपकी मर्जी से आया हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को, 28 मार्च को भाजपा के 57 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता जो ली थी, उसके बाद भाजपा में खलबली मची और उन्होंने फिर वीडियो बनाना शुरू किया और हमारे वो 57 जो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है उनको, किसी को मनीष सेन के नाम से तो किसी को किसके नाम से उन्होंने अपने साथ खड़े दिखाए, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी मनीष सेन हमारे साथ में और ये 57 जो कार्यकर्ता जो आए थे उनके सारे के सारे लीडर हमारे साथ में खड़े हैं। कहीं भी कोई भी नहीं गया, सब के सब कांग्रेस के साथ में। और ये सब कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि अब हर बूथ पे हम तेज गति से कांग्रेस में लाने की सदस्यता चलाएंगे, जिससे कि भाजपा छोड़ छोड़ कर कांग्रेस में आने वालों की कतार सी लगी हुई है। उसके पीछे कारण जैसा मैंने 28 तारीख को भी बोला है, 28 को 57 भाजपा छोड़ के कार्यकर्ता आए हैं, उसके दो दिन पहले 10 कार्यकर्ता भाजपा से कांग्रेस में आए थे, आज भी दो रसवा के एक टुकड़िया धनगर और उसके बाद एक गेंदालाल धनगर ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है और कल भी काफी बड़ी तादाद में भाजपा छोड़ के कांग्रेस में कार्यकर्ता आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह के 51,000 रुपए कर दिए थे, युवाओं के लिए बड़े चांस जो 70% उनको मध्य प्रदेश में रोजगार मिलने के चांस जो उपलब्ध हो रहे थे, इसलिए अब तुलना होने के बाद ये भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको लग रहा है कि कांग्रेस में ही हम सबका भविष्य उज्जवल होगा, इस कारण से सब सारे लड़के हमारे साथ में और दूसरे भी आ रहे हैं। और ये मनीष सेन की जो बात करते थे, मनीष सेन ओरिजिनल राजपुर के ये है, बाकी वो कहां से कौन सा मनीष सेन लाकर खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ ये मनीष सेन 28 को आया था, आज भी मनीष सेन हमारे साथ है और मनीष सेन जिन 57 कार्यकर्ताओं के साथ में जो आए थे वो 57 के 57 ही हमारे साथ पूरी टीम खड़ी है। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सुरेंद्र जमरे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।